दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंतिम मुकाबले में हार के बाद उठ फूट कर रोने लगे वानिंदु हसरंगा ने भारत से मदद मांगते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दिल से सलाम ठोका। तो दोस्तों वानिंदु हसरंगा का पूरा बयान देखने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहना। लेकिन उससे पहले अगर तुम सब भी वानिंदु हसरंगा को एक अच्छा स्पिनर गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आईसीसी T20 विश्व कप के ग्रुप वन के मुकाबले सभी अब समाप्त हो चुके हैं, जहां हम सभी को दो फाइनल टीमें मिल चुकी हैं जिन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कराए। और दोस्तों ये टीमें कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच ग्रुप वन का अंतिम मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए थे, जहां इंग्लैंड की टीम को 142 रनों का लक्ष्य मिला था। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में हुआ ये कि वानिंदु हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा ने पूरी तरह से मैच को पलट कर रख दिया था, जब उन्होंने जॉस बटलर, एलेक्स हिल्स को आउट किया और फिर हैरी ब्रुक और साथ में मोइन अली का विकेट लेने के बाद तो ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम इस मैच में हारेगी और इस मुकाबले को श्रीलंका की टीम जीत ले जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर बेन स्टॉक्स ने अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी की और अपनी बल्लेबाजी का प्रमाण देते हुए यहां बेन स्टॉक्स की 42 रन की पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम जीत हासिल कर सकी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये मुकाबला इंग्लैंड के लिहाज से जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस मुकाबले में सेमीफाइनल तक जाने के लिए उन्हें 2 पॉइंट चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं तो क्वालिफाई कर जाती। लेकिन दोस्तों यहां पर श्रीलंका तो पहले ही T20 विश्व कप से बाहर थी, हालांकि उनके पास मौका था इंग्लैंड की टीम को हरा कर उनका मजा किरकिरा करने का, लेकिन श्रीलंका ये करने में कामयाब नहीं हो सकी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने हमेशा अपना बेस्ट प्रदर्शन देने की कोशिश करी। लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका की टीम ने अच्छा प्रदर्शन इस साल किया नहीं। तो दोस्तों अब रोते हुए खुद वानिंदु हसरंगा कहते हैं कि हमने अपने सभी क्रिकेट फैंस को निराश किया है। हम जो उम्मीदें लेकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे, हम उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। एशिया कप जीतने के बाद हमारे हौसले बुलंद थे। हमने सोचा था कि इस साल T20 विश्व कप में हम जरूर सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश की हालत क्या चल रही है और हमारे देश का क्रिकेट बोर्ड तंगी में आ चुका है, जिसके चलते हम सभी खिलाड़ियों को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कि अन्य क्रिकेट बोर्ड के पास है। हालांकि मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ भारत से कि वो हमारे क्रिकेट बोर्ड पर ध्यान दे, क्योंकि BCCI ने हमेशा हमारी मदद की है और अब मैं भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI से ये गुहार लगाता हूँ कि हमारे क्रिकेट बोर्ड पर वो ध्यान दे और हमारे आगे भविष्य में आने वाले क्रिकेट के खिलाड़ियों को बचाए। नहीं तो अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो हम कभी भी बड़ी ट्रॉफी और टूर्नामेंट जीतने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल का मेरा प्रदर्शन आपको जरूर पसंद आया होगा और अगली साल अगर मैं वापस लौटूंगा तो एक नई शुरुआत के साथ और उस वक्त आप मुझे एक अलग रूप में देखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वानिंदु हसरंगा ने बड़ी मांग भारत से करते हुए दिल जीत लेने वाली बात कही। बाकी अब आप सभी की क्या राय है वानिंदु हसरंगा के बयान के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या ये सही कह रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।